अभी जी केक शेक भी आ चुके हैं, थोड़ी सी देर में हम लोग केक भी कट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए हैं, बहुत 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 खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मार्केट पहुँचने के बाद और शॉपिंग करने के बाद। मार्केट से क्या शॉपिंग करनी थी, बस यार ग्रोसरी के लिए घर वालों ने भेज दिया, इसलिए मैं, ये इब्रार और मेरा कजन वजन, हम तीनों बंदे आ गए थे यहाँ मार्केट से थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के लिए। यार मैंने परसों कटिंग वगैरह करवाने के लिए आया था, तो वॉच और अपना हैंड बैग मैं इधर ही सैलून में भूल गया था, अभी वही लेने के लिए आ गया हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया था क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा है, इवेंट भी बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आराम सुकून से बैठने की जगह काम शाम अपने दबेड़ लेता हूँ। मिलिए भाई, ढूंढ रहे हैं, ठीक। तुम लोगों ने क्या करना है, हेयर कट? आपने भी हेयर कट? निकाश भाई का तरीका चेक किया, जब भी मैं निकाश भाई की तरफ कैमरा करने लगा निकाश भाई ऐसे बैठ गए। जी मैंने भी करवा लिया, मिल गई है, थैंक यू सो मच यार, मिल गई है घड़ी। इब्रार और निकाश भाई को सैलून छोड़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी वेन्यू वाली जगह पर, जहाँ पर अभी डिकोर शिकोर हो रहा है, सेटिंग वगैरह लग रही है। तकरीबन अभी हमारे इवेंट में 3-3.5 घंटे का टाइम बाकी है, तब तक इंशाल्लाह सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी हवा दूं ताकि चेक कर लूं कि किस तरह का निजाम चल रहा है, सारा माहौल या सेटअप सही तरह से बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ब्रा लोगों को अभी पिक करने के लिए आ गया था, उनका काम शाम हो गया था जो भी सैलून के हवाले से था, लेकिन फिर मैंने कहा यार मैं अपनी भी थोड़ी बियर्ड को मजीद ट्रिम करवा लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा हल्का करवा लेता हूँ, और आज के दिन में तो मुझे स्टाइलिंग वगैरह भी करवा लेनी चाहिए, इसलिए पहले हेयर वॉश करवाऊंगा उसके बाद दूसरे मामला करेंगे। चले जी तैयार श्यार होकर मिलता है फिर आपका भाई आपको। ओके अभी जी फाइनली आपका भाई रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ और पूरा प्रिंस भी लग रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रेडी होकर आ गए हो भाई, पूरे स्टार बने हुए हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओ तूने नहीं रेडी होना, देखा निकाश भाई ये अच्छी ड्रेसिंग है यार, निकाश भाई मुँह छुपा रहे हैं, मुँह को छुपा रहे हो, कहना मैं कुलचे लाने के लिए। चलो यार निकले, रेडी नहीं हुए यार, एक तो ये मेरे घर वाले बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। चलो मामा रेडी हो, चलें फिर निकलें, आ जाओ। कमल कहाँ है, कमल लिख लो। देवी साहब आपने मेरी मैचिंग कर ली है ना, तो चलो फिर उठो आ जाओ निकलें। सबको उठाना भी मुझे ही पड़ रहा है कि चलो चलो निकलो निकलो निकलो, बैठ जाओ ना अभी एक मिनट। क्यों करवा कर आ जाओ, जी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वेन्यू पर और डेकोर शिकोर पूरा सेटअप बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। ये है जी एंट्रेंस सेल्फी पॉइंट, और फिर उसके बाद ये है हमारी एजल के हकीका का पूरा डेकोर, माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोर है, बहुत अच्छा सारा सेटअप लगाया गया है। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है एजल, माशाल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी कंफर्ट रहेगी इन कपड़ों में, क्योंकि ये कपड़े थोड़े अनकंफर्टेबल हैं वैसे, लेकिन ये बहुत कंफर्ट है ना, दिखने में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे थे लेकिन पहनने में तो बहुत कंफर्ट है ना इधर, है ना जो। माशाल्लाह इधर भी बहुत प्यारी लग रही है, इधर की मामा भी बहुत प्यारी लग रही है आज। चल झूठा, अभी जी केक शेक भी आ चुका है, थोड़ी सी देर में हम लोग केक भी कट करेंगे। मेहमान तकरीबन कोई 80% आ चुके हैं।
केक शेक जी कट हो चुका है, बस खाना शाना लगने वाला है। और खाने में मैं आपको दिखा दूं क्या क्या है। ये है जी चपली कबाब, ओए होए होए। ये है जी मटन कुन्ना, ओए होए होए। भूख बढ़ रही है खाने को देख देख कर। ये नाचान है, ये है जी चिकन कोरमा, आय हाय हाय हाय। क्या बताऊं यार, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है आपके भाई ने। और ये है जी बिरयानी, ओहो हो, बस 5 मिनट में खाना खुल जाएगा। रोटी खोल दो शफीक अहमद। डीजे वाले भाई, ये किसी को पता नहीं चल रहा कि रोटी छोटी खुल गई है, तो वो खाने वाला जो होता है ना म्यूजिक, वो वाला चला दें ताकि लोगों को आगाही हो जाए कि रोटी खुल गई है। कोई बंदा देखे रोटी नहीं खा रहा यार, रोटी छोटी खोल भी दी है हम लोगों ने। हेलो, खाना खा लो, आ जाओ, खाना लग गया। सही कह रहा हूँ यार। हाँ अभी ऐलान हो रहा है, डीजे वाला ऐलान करेगा जी। हाँ यही ऐलान चाहिए था, बस ये वाला ऐलान चाहिए था। थैंक यू। हाँ जी, कोई चीज चाहिए इसको? ये अच्छा, इसको ले जाए यार। ये क्या है? चलो यार, कोई चीज चाहिए बताओ। चलो पूरी है, असर नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्यों बुलाई यार? सरगो दे चंगड़ा नु, गजब बेइज्जती है। चेक करी गुजरात दा पेंडू बोल। I'm from UK, bro. Thank you so much. आप लोग आए हैं, बहुत 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 खुशी हुई है। Thank you so much. Thank you. नहीं नहीं, हम लोग तो हमेशा बुलाते हैं आपको। फिर हम भी हमेशा आएंगे। चल छुट्टी। हाँ, और हम लोग भी हमेशा आते हैं। हाँ, आएंगे। अगर आप नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आएंगे। और बताएंगे। थैंक यू सो मच अमी साहब, थैंक यू सो मच शहर बहन। बाजी आप तो पीछे हो, आपका हो गया बैटरी वाला काम। यार मैंने ना 10 दिन पहले तकरीबन अनाउंस किया था कि मैं कुछ अपने फैंस को इनवाइट करूंगा ईजल के अकीका पर, तो उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किए थे। मतलब कोई 1,000, 2,000, 3,000 लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था यस वी आर रेडी। तो फिर उनमें से मैंने सेलेक्ट किए थे 4 से 5 लोग। उन 5 लोगों को मैंने इन्विटेशन शेयर किया था, उनमें से सिर्फ आए 3 हैं। 2 ने कहा कि हमें कोई घर में एमरजेंसी है या एक पहुंच नहीं पाए यार, लेकिन उनकी एफर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके कमेंट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आए हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है एक बहन जो कि आई है, लेकिन वो कहती मैं सिर्फ कमल के लिए आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहन। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। कमल के लिए? चलो कमल के लिए यार, मेरा और कमल का सेम थिंग ही होता है, एक ही घर के लिए आई है ना। हाँ, ये मेरे लिए लड़के, तुम्हारे लिए से। चलो ठीक है यार। अच्छा, मैं 2 लड़के भी आए हैं, एक ये लड़की थी, 2 लड़के आए हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ आप। और दूसरे 2 भाई जो हमारे इवेंट पर तशरीफ लाए हैं, उनमें से एक है अब्दुल रहमान भाई और दूसरे हैं, यार आपका नाम मुझे जाता है, रहमान ही। अच्छा, आपका भी रहमान ही है? ये अब्दुल रहमान, आप रहमान आप कहाँ से? दरवेश कोट से। और आप अब्दुल रहमान? मुल्तान से। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। सब मेहमानों ने तो खाना खा लिया, लेकिन हम लोग रह गए थे घर घर के लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया था, जिनमें अबू हैं, मैं हूँ, कमल है, इब्रार ने खाना नहीं खाया, निकाश भाई ने खाना नहीं खाया। तो अभी हम लोगों ने अपने लिए 5-6 लोगों के लिए खाना लगवा लिया, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन मेहमान अभी भी यहाँ ही है। तो मेहमानों से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट की ब्रेक लिया कि हम लोग बस खाना खा लें, फिर मिलते हैं आप। खाना जी बहुत 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 जबरदस्त था, अभी खाया है, बहुत मजा आया खाना खाने का। और खाना बनाने में स्पेशली मैं थैंक्स करूंगा जुबैर भाई का, GT इवेंट्स का, जिनकी डिटेल आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर आप भी इस तरह का मजेदार खाना खाना चाहते हैं या फिर इस तरह का खूबसूरत इवेंट करवाना चाहते हैं, और खास तौर पर यार जुबैर भाई, मैं तो खाने की शौकीन हूँ, ये सही बात है, मॉल में बाद में देखता हूँ, पहले मैं खाने की तारीफ करता हूँ। हर बंदे ही खाने की तारीफ, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड फॉर अस, थैंक यू। आज का इवेंट जी अपना इख्तिताम की घड़ियों की तरफ रागिब है, और बताता चलूं कि ये खूबसूरत सा डिकोर जो कि आप मेरी बैक साइड पर भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, सारा डिकोर आज के इवेंट का हमारा किया है जी हाँ, जो कि बहुत खूबसूरत किया है, और जैसा दिखाया था वैसा ही बनाया भी है। इनकी खास बात यह है, इससे ज्यादा अच्छा बना दिया, बिल्कुल। हर बंदे ने आप इतनी तारीफ की है कि यार ये डिकोर कहाँ से करवाया? जी हाँ, थीम कलर, ये कितने मजे मजे जी, ये कितने मजे मजे के हैं। थैंक यू सो मच अर्ज इनोवेशन। अगर आप लोग भी इनसे डिकोर वगैरह करवाना चाहते हैं या फिर अपना इवेंट प्लान करवाना चाहते हैं, तो डिटेल आ रही होंगी स्क्रीन पर, भाई कॉन्टेक्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी वापस घर आ गए हैं लोग, सारे मेहमान वगैरह भी पहुंच
पहुंच चुके हैं घर ही। सारे आ गए ना वापस नकाश भाई, किसी को छोड़कर तो नहीं आए? किसको छोड़कर आए? सामान भी आपका पूरा लेकर आए। थैंक यू सो मच जुबैर भाई, थैंक यू सो मच। जप्पी पाओ, जप्पी गुट के पावे एक बार शेखे। ये शेख साहब और जी सबसे ज्यादा खाना जिस बंदे ने खाया है ना वो ये मेरा कजिन है। इसने ना खीर ही कर दी है। मतलब हैरान कर दिया लोगों को कि इतना ज्यादा खाना खाया। कैसे खा लेते हो? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, शुरू से खाते। ये कौन सा अल्लाह का शुक्र है? खाना ही तबाह कर खाना है यार। 2 kg क्या? 2 kg खाएगा? मटन खा लेगा 2 kg है विकी? हाँ अल्लाह की कसम। 100 kg नहीं, 2 kg समझ आ गई इसको। दो